हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है क्लाइमेटोलॉजी से, और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे वायु दाब के बारे में, देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो अगला पार्ट आएगा हमारा इसमें, वो आपका वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। यानी कि छोटा छोटा सेक्शन करके हम लोग जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। छोटा छोटा सेक्शन मैं इसलिए डिवाइड करता हूँ जिससे आपको याद करने में और समझने में बहुत ही आसानी हो, और मैंने टेक्स्ट को भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। आप इजीली एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे ही सेव हो जाएगा। तो छोटा छोटा यूनिट, छोटा छोटा पार्ट्स करने का मतलब है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लो और उसको रिकॉल करने में कोई दिक्कत ना हो और इफ़ेक्टिव हो वीडियो, ठीक है। और ये नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो बना दिया, आप देखते देखते बोर हो जाओ और उसको समझ में आए ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो कोई मतलब नहीं है बनाने का। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और, अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। उन एग्ज़ामों में जो जीके वाले सेक्शन होते हैं, कंप्लीट जीके वाले सेक्शन को कराया जाता है जिसमें करेंट अफेयर है, आपके साइंस से जुड़े, हिस्ट्री से जुड़े और भी जो भी आपके स्टैटिक्स जीके, पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही क्या बोलते हैं इफेक्टिव कंटेंट, बहुत ही जो एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उनको एनालिसिस करके वो क्वेश्चन को तैयार किए जाते हैं। तो आप उस प्रकार से भी ज्वाइन कर सकते हो, और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया। अगर आरआरबी एनटीपीसी से आप एग्जाम देने वाले हो तो भी आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आइए सीधे हम लोग बात करते हैं वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं इसको, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के भार से पृथ्वी पर पड़ने वाले दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या इंग्लिश में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो समझने का यहाँ प्रयास करें, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब इस पे जो है आपका ये, इसके ऊपर जो है आपका वायुमंडलीय गैसों का विस्तार है, ठीक है। और इनका कुछ ना कुछ वेट होगा क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, गैस है, तो इनका कुछ ना कुछ अपना वेट होगा। और ये जो वेट है वो क्या करेगी, ग्रेविटी के कारण से कहाँ पे, पृथ्वी पे अपना ये जो इसके स्थल भाग है इस पे क्या करेगी, दबाव बनाएगी, ठीक है। इसी दबाव को बोला जा रहा है कि यही हमारा क्या है, वायु दाब है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे है कि इसे प्रति, ठीक है, आगे है इसमें कि इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, ठीक है। प्रति इकाई यानी एक इकाई क्षेत्रफल पे आपका जो पड़ने वाला प्रेशर होता है, वायु प्रेशर, एयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसे आगे देखते हैं, इसमें जिसे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर आप जानते हैं वायु दाब जो मापने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है। बैरोमीटर जो है वायु दाब को मिली बार में जो है क्या करता है, मेजरमेंट करता है मिली बार में, ठीक है, इसको भी आप कंसिडर करिएगा। फिर इसमें आगे देखते हैं कि जलवायु वैज्ञानिकों ने इसके लिए मिली बार को इकाई माना है, जैसा कि अभी आपने बताया मिली बार में जो है आपको क्या किया जाता है, एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है। एक मिली बार एक वर्ग सेंटीमीटर या एक ग्राम भार का बल होता है, यानी कि जो आपका एक मिली बार होता है, ठीक है, ये भार क्या होता है कि आपका एक सेंटीमीटर का जो एरिया होता है उस पर पड़ने वाला भार ही क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये ही वायु दाब है। इस प्रकार से आपका ये व्यक्त किया जाता है, चाहे इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि एक मिली बार एक वर्ग सेंटीमीटर पर एक ग्राम भार का बल बताता है, यानी क्या, एक मिली बार जो है एक सेंटीमीटर का जो क्षेत्र होता है हमारा अर्थ पे, ठीक है। फिर से मैं डायग्राम बताता हूँ बना के, जैसे आपका ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेंटीमीटर का आपका क्षेत्र है, तो इस पे एक मिली बार पड़ने वाला जो वेट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इसके भार को क्या करता है, दर्शाता है। ऐसे ही हम पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल जैसे हमें पता रहेगा, फिर उसका उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरे क्षेत्रफल पे कितना वेट है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज कहीं कुछ भी ना समझ में आए, अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में पूछ के। आइए आगे देखते हैं,
तो एक पॉइंट मैं और इसमें बता दूं आप सभी को कि जो समुद्र तल पे वायुदाब जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक जो वायुदाब होता है वो समुद्र तल पर होता है। और इसको ये जो वायुदाब होता है औसतन जो है आपका 1013.25 मिलीबार के आसपास में पाया जाता है, औसत वायुदाब है ये समुद्र तल पे जो पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हो कि कोई मैदानी भाग में रहने वाला इंसान जैसे पहाड़ों पर ऊपर जाता है तो जो प्रेशर होता है वायुदाब क्या होता है कम होने लगता है, जिसके वजह से उसके शरीर में यानी बॉडी में जो एयर प्रेशर है और बाहर का जो हमारा प्रेशर है वायुदाब है उसमें अंतर होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है लोगों के नाक से कान से खून आने लगता है, जैसा कि आप ऐसे केसेस सुनने को और देखने को आपको मिले होंगे अगर आप वहाँ पर गए होंगे। और एक प्रॉब्लम क्या होती है ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि हम ऊंचाई पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है हमारा वायुमंडल विरल होता है या पतला होता जाता है और गैसों की जो मात्रा है वो क्या होती है कम होने लगती है, तो उन्हीं सभी गैसों में हमारी ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो ऑक्सीजन की भी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है ऊंचाई पे जाने की वजह से, तो इसी कारण से क्या होता है सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक तो इसमें हम लोग आगे भी देखते हैं, तो आगे है आपका कि वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखाओं यानी कि आइसोबार के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये समदाब रेखाएं क्या होती हैं, यह वह कल्पित रेखा होती हैं, एक प्रकार की क्या होती हैं कल्पित रेखा होती हैं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। जैसा कि आप मान लीजिए आपका मैप है, वर्ल्ड का मैप है, वहाँ से ये लाइन ऐसे होके गुजर रही है, ठीक है, तो ये जिन क्षेत्रों से ये लाइन होके गुजरेंगी क्या करेंगी वहाँ पे इक्वल बराबर समदाब रेखाओं का क्या करेंगी बताती हैं, यानी इन क्षेत्र पे समान दाब पड़ता है वायुमंडल का जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है समान होता है जिन क्षेत्रों से ये कल्पित रेखा होकर गुजरती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं समदाब रेखाएँ बोलते हैं। तो बस यही है कॉन्सेप्ट, इसको आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। समदाब का मतलब सम मतलब बराबर, समान दाब वाले क्षेत्रों को ये रेखा क्या करती है प्रदर्शित करती है, और ये रेखा क्या होती है कल्पित रेखा होती है, यानी कि पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं, एक कल्पित रेखा होती है, इसको आप ऐसे समझने का प्रयास करें। आगे इसमें देखते हैं, आगे आपका है कि वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को जो क्या है मौसम का पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण सूचक, यानी कि इसके द्वारा मौसमों का क्या होता है कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है आपका वायुमंडलीय दाब के द्वारा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत, और भी कई सारे यंत्र हैं जिससे वायुमंडलीय दाब को क्या किया जाता है मेजर किया जाता है। मिलीबार में मैंने बताया था आपको कि मिलीबार में जो वायुमंडलीय प्रेशर को जो होता है मेजरमेंट किया जाता है, बैरोमीटर, बेसिकली बैरोमीटर से ज़्यादातर किया जाता है, और भी कई सारे आपके इक्विपमेंट है जिसके द्वारा, जैसे मैं नाम बता दे रहा हूँ उनका, जैसे आपका माइक्रो बैरोग्राफ होता है इसमें, और फिर आपका इसमें आपका मर्करी बैरोमीटर होता है, तो ये इस प्रकार से और भी सारे यंत्र हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है मिली बार में, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली आज वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया कि वायुमंडलीय दाब बेसिकली होता क्या है, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ जिससे आपको फिर से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि हमारा अर्थ है समझ लीजिए, इस पे जो हमारा ये वायुमंडल का इसके ऊपर जो विस्तार है मान लीजिए कई लेयरों में है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, मुख्य रूप से आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी अक्रिय गैस है, और इसके साथ साथ वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल। तो इन जो डस्ट पार्टिकल और गैसेज जो पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में, तो इनका कुछ ना कुछ अपना भार होता है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो जो आपके मुख्य रूप से गैसों का नाम भी मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारी गैसें हैं, और इस वायुमंडल में आपके वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, तो ये सब पाए जाते हैं, और इनका कुछ ना कुछ वेट होता है, अगर वेट है तो ग्रेविटी इन पे काम करेगी, और क्या करेगी ये जो वेट है नीचे की तरफ क्या करेगा दबाव बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग वायुदाब कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं, और मैंने टेक्स्ट को भी बहुत ही ईजी लिखा है, एक से दो बार आप इसको रिकॉल करोगे ना आपके माइंड में बैठ जाएगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ईजी है आपको समझने में, ठीक है। तो मैंने जगह जगह पर आपको जो है थोड़ा थोड़ा क्या किया कि उसको एक्सप्लेन भी कर दिया डायग्राम की तरह, चाहे थोड़ा सा फिगर बना के, ताकि आपको आइडिया लग जाए।
तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडलीय दाब को देखा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इसमें होगा वो होगा आपका वायु दाब को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनको देखेंगे। तो छोटा छोटा सेक्शन और छोटा छोटा पार्ट में जो है हम पूरा कंप्लीट करेंगे आपका जो है एयर प्रेशर के बारे में, पूरा जो है आपका वायुमंडलीय दाब है तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताया करें, ठीक है। और कोई सजेशन भी हो वीडियो के थ्रू तो आप दे सकते हैं मुझे, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है कोई कमी है तो वो भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और वीडियो कहीं से भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें कैसा लगा वीडियो, और शेयर इसलिए करें कि और भी जो मित्र हैं आपके तैयारी कर रहे हैं UGC नेट के, जिनको कंटेंट मिलने में और बहुत सारी जो भी हैं प्रॉब्लम्स हैं नहीं प्रोवाइड हो पाए तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। जैसा कि जानते हो आपकी कोचिंग से फीस बहुत हाई है तो सब कोचिंग परचेज नहीं कर सकता, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका या कुछ भी ढूंढते हैं जिनसे उनको कम कास्ट या एकदम विदाउट एनी कॉस्ट के कंटेंट प्रोवाइड हो जाए और उनकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाए। तो उस कड़ी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बस आप कॉपरेट करो और इस चैनल को ग्रो करने में बहुत ही आप अपनी हेल्प कर रहे हो और आगे भी हेल्प करते रहना, जिससे कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके जिससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच सके जिनके पास फाइनेंशियल रूप से वो पूरी तरह से वीक हो और उनकी हम हेल्प कर सके। तो आप इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे हम उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो फाइनेंशियल रूप से वीक है, तो मैं इसी बात को आपको बता रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से अपना जो भी योगदान हो सकता है कंट्रीब्यूट करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।